मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में मूसलाधार बारिश की अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। तालिबानी ने भारत से कारोबार पर लगाई रोक। दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह ठप। तालिबान ने व्यापार मार्ग रोका। महाविकास आघाड़ी सरकार के हारने के 25 दिन में देख रहे सपने। फिर भी हम साथ में लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। बाला साहेब थोराट का फडणवीस पर पलटवार। मुंबई की जनता शिवसेना और बीएमसी के काम से परेशान। अब बीएमसी जनता की हाथ में नहीं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बीएमसी पर साधा निशाना। मुंबई के शिवाजी नगर और गोवंडी में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। क्राइम ब्रांच की यूनिट ने 6 फर्जी डॉक्टरों को किया गिरफ्तार। ठाकरे सरकार अनिल देशमुख को ईडी के हवाले करने की बजाय उन्हें छिपाने में लगी है। देशमुख के ईडी के सामने पेश न होने पर किरीट सुमैया ने ठाकरे सरकार को लिया आड़े हाथों। नवी मुंबई में डेल्टा प्लस के 2 मरीजों की हुई पुष्टि। महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस के 78 मामले आए सामने। नगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगन ने लापरवाही न बरतने की अपील। ठाकरे सरकार के नेतृत्व में महाराष्ट्र की दुर्गति हुई। महाराष्ट्र पिछड़ा राज्य बनते जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर लगाए आरोप। बारगस व्यापारियों को मिलेगा केवल 5 से 6% सालाना ब्याज दर पर कर्ज। उप मुख्यमंत्री पवार ने किया घोषणा। राज्य में टीकाकरण की व्यवस्था है लेकिन केंद्र वैक्सीन उपलब्ध नहीं करती। राजेश टोपे ने केंद्र पर साधा निशाना।